लास्ट टाइम आपका आज का जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम का लिटरल वर्ड का मीनिंग क्या है। क्रोमोसोम दो वर्ड से मिलकर बने हैं, क्रोमा एंड जोमा। क्रोमा का मतलब है कलर्ड और जोमा का मतलब है बॉडी, यानी क्रोमोसोम का मतलब हो गया कलर्ड बॉडी। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जब सेल के बारे में पढ़ा तो ये पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिक्स रहते हैं, नेटवर्क बनाकर उसमें पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल्स बोलते हैं। ये क्रोमैटिन मटेरियल्स सेल डिवीजन के समय अपने आप को रीअरेंज करता है और बनाता है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स आमतौर पर नेकेड आई से दिखते नहीं, पर इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा जाए तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के हिसाब से दिखेंगे। लेकिन इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इन्हें स्टेन्ड करते हैं, यानी इन्हें डाई डालकर, एक दो ड्रॉप अगर इन्हें डाल दिया जाए, इनके अंदर सेल में डाई डाल दिया जाए तो ये कलर्ड हो जाते हैं, और ये कलर्ड डाई एब्जॉर्ब करने के वजह से, स्टेन कर लेने के वजह से इनका नाम कलर्ड बॉडी पड़ा। और माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग डिस्टिंक्टली ये डिवाइडिंग सेल्स किस तरह से डिवाइड करते हैं इसे हम लोग देख पाते हैं। दैट्स वाई द वर्ड क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडी। सो क्रोमोसोम्स का ये मतलब तो समझ में आया, लेकिन क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या होगा? सो क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन होगा कि दे आर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स विच एक्चुअली कंटेन द जीन्स। जीन्स पर्टिकुलरली ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, जिनके अंदर में हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं वो कोडेड होते हैं। ये हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं पर्टिकुलरली वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम मदर एंड फादर टू द ऑफस्प्रिंग। ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या कोडिंग जो कैरी करता वो है जीन, और ये जीन पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। सो क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स विच कैरी जीन्स, एंड जीन्स आर दोज हेरिडिटरी फैक्टर्स विच अल्टीमेटली कैरी द इंफॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन से ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होते हैं। ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में देखिए, जब आपका न्यूक्लियर मटेरियल जो है सेल डिवीजन के समय अपने आप को रीअरेंज करता है तो वो इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में अपने आप को बना लेता है, जहां पर दो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स एक पर्टिकुलर नॉट में इस तरह से बंधे होते हैं। ये जो नॉट है, जैसे आप सूते में एक गट्ठा डालते हो, ठीक उसी तरह से ये गट्ठा के जैसा ये सेंट्रोमियर है, बीच का जो गोल दिख रहा है। यहां दो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होकर रहते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट जो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, और इसके ये जो चार पर्टिकुलर भाग हैं जिसमें से दो एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है उसे क्रोमैटिड्स कहते हैं, और दोनों क्रोमैटिड्स एक साथ इस सेंट्रोमियर में जुड़े होने के कारण ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से बायोलॉजी में आपको पता चलेगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स सबसे पहले किसने देखा और दुनिया को बताया? सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो है वो जर्मन साइंटिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसे देखा। वाल्डर फ्लेमिंग ने इसे सैलेमेंडर, एक तरह का एम्फीबियन है, इस सैलेमेंडर के लार्वा में इसको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को देखा। इस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ सूते का जैसा चीज है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो पर्टिकुलरली बहुत तेजी के साथ डिवाइड हो रहा है और अपने स्ट्रक्चर्स को रेप्लिकेट कर रहा है। उस समय क्योंकि हाई पावर माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से वहां समझ नहीं पाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिवीजन था, इस डिवीजन को उन्होंने नाम दिया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब ही है पर्टिकुलरली डिवीजन ऑफ थ्रेड्स।
यानी थ्रेड्स में, थ्रेड्स का बटना, डिवाइड होना। तो क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से जो देखे थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसीलिए उन्होंने इस डिवीजन का नाम माइटोसिस रखा। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्रोमैटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर होता है। ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर में अटैच रहते हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या पाया जाता है, तो ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में आपको डीएनए होता है और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन्स होते हैं। ये जो डीएनए है ये लगभग आपका इस पूरे क्रोमोसोम का 40% पार्ट डीएनए होता है, और 60% पार्ट जो है वो आपका क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से बना है। हिस्टोन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके 8 मॉलिक्यूल्स, टोटल 8 मॉलिक्यूल्स के साथ डीएनए जब अपने आप को लपेटता है, तो 2 लूप्स या 2 से अधिक लूप्स के साथ जो एक पर्टिकुलर पार्ट अलग होता है, जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और 1 or 2 loops ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम्स, जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे आपके। इसमें 8 छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं गोल, वो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो डीएनए का स्ट्रैंड विथ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स। और इसमें 40% आपका क्या है, 40% आपका डीएनए है और 60% हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम लोग टुगेदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली समझ लो कि एक ऐसा सीडी है जो घुमावदार है, घुमावदार हेलिकल स्ट्रक्चर। कभी अगर इस तरह का कोई बिल्डिंग देखे होंगे या सीडी देखे होंगे जहां पर वो घुमावदार सीडी है, यानी पर्टिकुलरली वो सीडी जो है वो सांप के जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है, जैसे पहले बॉल पेंस के रिफिल्स में आपको स्प्रिंग लगा हुआ होता था, वो स्प्रिंग कैसे गोल गोल घुमा हुआ है, ठीक उसी जैसे ये गोल गोल इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर घूमे हुए हैं। तो वहां पर 2 स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से घूमे हुए हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें एक स्ट्रैंड इस तरह से गया हुआ है और दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से आपको गया हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हुए रहते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन बेसिस पर्टिकुलरली समझो इस तरह से कि जैसे अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी के 2 स्ट्रैंड होंगे, तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में पैर रखने का जो पावदान होता है, रंग्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो रंग्स जो है वो इस तरह से उसको फॉर्मेशन करता है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर में आपको ये जो रंग्स हैं एक्चुअली ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं जो दोनों को बांधे हुए हैं, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड एक्चुअली किसके बीच में है, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में है। नाइट्रोजन बेसिस टोटल 4 होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, ए जी सी टी, इस तरह से 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ये चारों नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करके ये दोनों स्ट्रैंड को बांधे रखते हैं, जैसे कि आप पावदान के ऊपर पैर रखे चलते हैं तो वो पावदान दोनों स्ट्रैंड को जोड़े रखता है, ठीक वैसे ही। तो ये पर्टिकुलर डीएनए जो है, इस डीएनए में आपका ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कोई भी नाइट्रोजन बेस किसी भी साथ में बॉन्डिंग नहीं करता, बल्कि इसका एक फिक्स पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जब भी एडिनाइन बॉन्डिंग करेगा तो वो हमेशा थायमिन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, यानी एडिनाइन जो है वो थायमिन के साथ और साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। और इसके बॉन्डिंग में भी स्पेसिफाइड है, क्योंकि एडिनाइन और थायमिन जब भी बॉन्डिंग करेगा तो ये बॉन्डिंग हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, यानी वो एक दूसरे के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। और वही जगह पर कार्बन बोल रहा हूँ साइटोसिन और गुआनाइन जो है, साइटोसिन और गुआनाइन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह के आपको स्ट्रक्चर के साथ डिनोट किया जाता है सिंबल के साथ, और आपका डबल बॉन्ड जो है इस तरह से आपको बनाया जाता है, यानी ये कुछ आपका सी जैसा है जबकि ये आपका ग्रेटर देन का साइन के जैसा। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं। और यहां पर देखिए एक फिगर मैं बनाकर दिखा रहा हूं, जहां पर देखिए ए के साथ टी इस तरह से बॉन्डेड है और उसी जगह पर सी के साथ जी, यानी साइटोसिन और गुआनाइन इस तरह से बॉन्डेड है। इस तरह से दोनों जो है वो रंग्स के जैसा बना लेते हैं और दोनों स्ट्रैंड को बांधे रखते हैं, ठीक है।
अब ये जो दोनों रंग्स बंधे हुए हैं ये अगर अलग से स्टडी किया जाए तो ये अलग से स्टडी करने में कुछ इस तरह के दिखेंगे, जहां पर ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, दो स्ट्रैंड्स हैं। ये दोनों स्ट्रैंड को अगर आप ठीक से देखो तो इस दोनों स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पर ये जो पार्ट है ये जो बीच के पार्ट है ये नाइट्रोजन बेसिस है जो बॉन्डेड है। ठीक, कैसे बॉन्डेड है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया, ए के साथ टी डबल बॉन्डेड और सी के साथ जी ट्रिपल बॉन्डेड, वो यहाँ पर बॉन्डेड है। लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं जो बॉन्डेड है, जो बंधे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर एक पेंटागॉन स्ट्रक्चर है, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो है असल में पेंटोस सुगर है, यानी एक सुगर का मॉलिक्यूल है ये, और ये सुगर के मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजन जो बेस जो है वो बंधा हुआ है, और ये सुगर का मॉलिक्यूल अपने आप में खुला नहीं है बल्कि स्ट्रैंड के साथ बंधा है जहां पर वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोस सुगर और एक नाइट्रोजन बेस, ये तीनों का जो ग्रुप है, ये तीनों का ग्रुप टुगेदर, ये तीनों का जो ग्रुप है ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एक एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह से डीएनए में जुड़े हुए रहते हैं, और ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये पर्टिकुलरली जो मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर ये बनते हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। जब भी कोई क्राइम सीन होता है कहीं पर भी कुछ भी, तो वहाँ फॉरेंसिक टीम जो आती है वो आपके क्रिमिनल्स के कोई हेयर पार्टिकल्स, कोई नाखून का टुकड़ा या उसके स्किन का फ्लैश का कोई एक छोटा सा भी पार्ट अगर उन लोगों को मिलता है तो उनमें से जो वो चीज़ स्ट्रक्चर को वो स्टडी करते हैं वो एक्चुअली डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गेनिजम्स में यूनिक होता है, वो उसके आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। यानी हम सब ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन हम सब ह्यूमन बींग्स के मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यानी बाहरी रूप से मॉर्फोलॉजी में हम लोग जैसे दिखते हैं वो लगभग एक जैसे हैं, दो आंख दो कान, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी हम लोग का सेम है, यानी अंदर में हर्ट लंग्स ये सब जो एनाटॉमी है, काटने के बाद जो शरीर का जो पार्ट मिलेगा वो एक जैसा है। लेकिन डीएनए कोडिंग जो है वो डीएनए कोडिंग हर एक इंसान के लिए अपना एक यूनिक होता है। रहते तो यही पेंटोस सुगर, यही आपका नाइट्रोजन बेस और यही आपका फॉस्फेट ग्रुप, यानी न्यूक्लियोटाइड का यही स्ट्रक्चर के वजह से डीएनए का पूरा बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बना है। लेकिन इस मैक्रो मॉलिक्यूल में जो आपका पेंटोस सुगर है वो मनुष्य में अलग अलग तरह के सुगर मॉलिक्यूल के साथ ये डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। ये अलग अलग तरह का डीएनए स्ट्रैंड जो है उसमें ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर न्यूक्लियोटाइड से जो ये स्ट्रक्चर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ग्रो अप करवाया, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में अलग अलग पेंटोस सुगर के वजह से आपका जो यूनिक कोडिंग है वो कोडिंग बदल जाता है। तो हर एक इंसान के लिए ये कोडिंग अलग अलग है, लगभग करोड़ों में शायद कोई एक दो ही ऐसे होंगे जिनका कोडिंग मैच करेगा, नहीं तो कोडिंग हमेशा हर एक के लिए अलग अलग है। ये कोडिंग आपको किसी भी क्रिमिनल या इसको को एसेस करने में बहुत काम आती है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है, तो फॉरेंसिक में ये ज़्यादा काम आता है। आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन बेस के बॉन्डिंग के साथ, नाइट्रोजन बेस का जो बॉन्ड है वो पेंटोस सुगर के साथ भी जुड़ा हुआ है और स्ट्रैंड के साथ आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो सेल डिवीजन के समय अपने आप को खुलते हैं, खुलने के बाद वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और डेंस फॉर्म में जुड़कर बनाता है क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स फिर पेयर बनकर एक साथ जुड़ता है, वो जब पेयर बनकर एक साथ जुड़ता है तो जिस पॉइंट में जुड़ता है वो पॉइंट है सेंट्रोमियर। उसके जो दो पार्ट एक एक क्रोमोसोम्स के बचे उसे क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स पर्टिकुलरली जो है वो बने हैं जीन से, और उसमें है डीएनए और आपका हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, डीएनए 40% जबकि हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल 60% उसको बनाता है, और न्यूक्लियोसोम पर्टिकुलरली 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, यानी अगर एक सॉकर बॉल के जैसा समझें कि सॉकर बॉल को लिया और लेने के बाद उसके जो 8 खाप हैं उसको हमने रस्सी से लपेट लिया, इस तरह से 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के, उसमें अगर हमने उसको स्ट्रैंड से डीएनए स्ट्रैंड से उसको एक से दो, दो से तीन बार ज्यादा से ज्यादा लूप लगाकर उसको बांधा तो ये जो एक स्ट्रक्चर टोटल तैयार हुआ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स और डीएनए स्ट्रैंड का, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसोम। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है पेंटोस सुगर,
नाइट्रोजन बेस और क्या है आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कहला रहा है न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए को बना रहे हैं और इसी कारण से डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। और डीएनए क्या काम में आता है, तो डीएनए आपका काम आता है आपका जेनेटिक कोडिंग के लिए समझने में आता है, जिसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इसके अलावा डीएनए जो बना है उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है वो बॉन्डेड है। कैसे बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसके बीच है, तो डबल बॉन्ड आपका है एडिनाइन और थायमिन के बीच। एडिनाइन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन और गुआनाइन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से बॉन्डिंग के साथ वो आपका दोनों जो स्ट्रैंड है उस दोनों स्ट्रैंड का क्या कर रहा है, वो इस तरह से बीच में वो एक रंग्स यानी वो पैर रखने का पावदान जैसा बना दे रहा है। समझ में आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ेंगे तो जानेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो सेल है ये न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर में ये डिवीजन के समय अपने आप को अरेंज करता है, अरेंज करके डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता ही क्यों है, तो जैसा कि आपको सबसे पहले बताया गया कि वाल्डर फ्लेमिंग ने जब देखा था कि सैलामेंडर के लार्वा के अंदर में जो चीज डिवाइड हो रहा है वो थ्रेड लाइक कोई चीज था जो माइक्रोस्कोप से साफ तरह से नहीं दिख रहा था, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने देखा कि ये डिवाइड हो रहा है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्होंने नाम दिया इस प्रोसेस को माइटोसिस। ये जो माइटोसिस वर्ड है ये पर्टिकुलरली आज तक हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं। इसके साथ एक और तरह का सेल डिवीजन है जो आविष्कार हुआ है, वो सबके सामने लाया गया, वो है मियोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस, माइटोसिस जो पर्टिकुलर है वो आपका बॉडी सेल डिवीजन, यानी आपका शरीर का बढ़ना, शरीर का कोई भी पार्ट जो है वो रिपेयर होना, शरीर के किसी भी पार्ट का रिप्लेस होना, ये सब चीजें जो हैं ये माइटोसिस के वजह से होती हैं। मैं इलाबोरेट अभी बता रहा हूँ। और म्यूसिस जो है वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के केस में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखने को मिलता है, जहां पर आपका जर्म सेल्स जो है वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो म्यूसिस पर्टिकुलर एक अलग टाइप का सेल डिवीजन है, म्यूसिस, MEIOSIS, म्यूसिस। तो हम लोग यहां जानेंगे कि सेल क्यों डिवाइड होता है। तो सेल बेसिकली डिवाइड होते हैं चार कारणों से। पहला जो तीन कारण है वो आपका माइटोसिस से रिलेटेड है, लेकिन चौथा वाला जो है वो मियोसिस से। कैसे, तो पहला पार्ट आ जाता है वाई सेल्स डिवाइड में आ जाता है ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए। आप जब जन्म लिए थे तब आप पर्टिकुलरली सिर्फ सेल थे और फिर आप जाइगोट बने, फिर आप एम्ब्रॉयो बने, इसके बाद आपका जो रूप आया वो इन्फेंट का आया, इसके बाद आप चाइल्ड हुए, चाइल्ड से फिर चाइल्डहुड को जीते हुए आपने टीन एज में कदम रखा, अभी आप टीन एज में हो। इस तरह से उसके बाद का जो स्टेज आएगा वो आप स्टेजेस जो है वो डेवलप होता रहता है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रक्चर, आप जब एक पर्टिकुलर स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हैं तो आपका सिर्फ रूप ही नहीं बल्कि आपका जो शरीर है वो शरीर भी बढ़ता रहता है, आपके शरीर का जो आकार है वो भी बढ़ता रहता है, डेवलप करता रहता है। तो ये जो है इसी को ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ जो है वो आपके शरीर को बड़ा करता है, तो ये शरीर का बड़ा होना भी आपका माइटोसिस के वजह से होता है, जहां पर बॉडी के सेल्स जो है वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं और एक्टिवली डिवाइड होकर उसे बड़ा करते हैं। ये प्लांट के केस में भी है, प्लांट के केस में, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक कन्फाइंड एरिया तक ही सिर्फ सीमित है। जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के केस में देखा जाता है कि पूरा बॉडी के सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर कोई एक पार्ट डिवाइड हो रहा बड़ा हो गया और दूसरा पार्ट नहीं हो रहा है ना, तो सारे पार्ट्स जो है वो सारे डिवाइड होते हैं, सारे बढ़ते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में देखा जाता है कि सिर्फ जो ग्रोइंग रीजन है, जैसे आपका टिप रीजन, इसके बाद फिर जो ब्रांचेस होते हैं उसके टिप रीजन या रूट के टिप रीजन या फिर ये जो स्टेम होता है, इस स्टेम का जो बाहरी हिस्सा है साइड का, वो पार्ट, सिर्फ ये सब पार्ट में ही पाए जाते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जिनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिर्फ यही डिवाइड होता है और ये जब डिवाइड होता है तब सेल जो है वो एक्टिवली मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने वजह से ग्रोथ होता है, यानी प्लांट जो है वो बड़ा भी होता है और चौड़ा भी होता है। इस तरह से ग्रोथ देखने को मिलता है एनिमल और प्लांट्स में। तो ये जो है ये माइटोसिस है। माइटोसिस का पर्टिकुलरली सेल्स डिवाइड होने का दूसरा जो हम लोग रीजन जान पा रहे वो है रिप्लेसमेंट। अब देखिए कहीं पर भी कोई एक सेल होगा तो वो जिंदगी भर नहीं जिएगा, उसका भी एक लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन खत्म होते वो मर जाता है, तो उसके जगह पे नए सेल्स आने चाहिए। तो जैसा कि सेल थ्योरी में आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया गया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो रुडोल्फ वर्चो ने ये पर्टिकुलर सेल थ्योरी का ये पॉइंट डिस्क्राइब किया था, तो यहां पर भी यही होगा, आपके पुराने सेल्स जो है वो बर्नआउट होंगे,
डाई हो जाएंगे और उस जगह पे नए सेल्स अराइज करेंगे और नए सेल्स उसका जगह ले लेगा। तो दिस इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जरूरी है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल जो है वो लाइफ टर्म नहीं चलता, लाइफ टर्म उसके उसका लाइफ स्पैन नहीं होता, वो मरता है फिर उसके जगह नए सेल्स आते हैं। इस तरह से नए नए सेल्स जो है वो उसके जगह लेते रहते हैं और इस तरह से ग्रोथ के साथ नए सेल्स का भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये हो गया दो रीजन। थर्ड रीजन जो है वो है रिपेयर। कहीं पर भी चोट लग जाए, अगर इंजोर्ड पार्ट है तो उस इंजोर्ड पार्ट में आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके वो जो उंड है आपका, वो इंजरी पार्ट जो है वो धीरे धीरे भरता रहता है, ठीक होता रहता है। कहीं उंगली कट गई या कुछ हुआ तो वो हमेशा वैसे ही नहीं रहता, वो धीरे धीरे करके ठीक होता है। तो वो कैसे ठीक होता है? क्योंकि आसपास के जो सेल्स हैं वो जिंदा है, लेकिन जहां कट गया वो मर गए, वहां के सेल्स डेड हो गए, तो वो सेल्स जो है वो वियर आउट होकर निकल जाएंगे, धीरे धीरे करके वहां से हट जाएंगे और नए सेल्स जो आसपास से अराइज करेंगे वो नए सेल्स जो है उसके जगह को फुलफिल कर लेगा और वो नया सेल्स धीरे 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 करके उसको हील करता है, उस इंजरी को वुंड को हील कर देता है और ठीक कर देता है। ये हो गया रिपेयर। तो रिपेयर इस तरह से आपका नए नए सेल्स रिपेयर करते हैं आपको। तो ये तीन चीज जो है आपका ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर, ये तीनों माइटोसिस के वजह से होते हैं और ये तीनों बॉडी सेल्स के ग्रोथ के बॉडी सेल्स के डिवीजन के वजह से फुलफिल होते हैं। अब आ गया जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट में आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे मेल्स के केस में आपका स्पर्म्स रिलीज होते हैं और फीमेल्स के केस में ओवा। तो ये जो रिलीज हो रहा है, ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्लांट के केस में है, जहां पर एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है, गाइनोशियम जो है फीमेल पार्ट है, वो हमेशा मेल सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं या फीमेल पार्ट जो है वो फीमेल सेक्स सेल्स को रिलीज करती है। तो ये जो सेक्स सेल्स जो बनते हैं, जो रिलीज होते हैं, इट इज ऑल ड्यू टू मियोसिस। तो एंड्रोशियम जो प्लांट के केस में आपका है वो है एंथर। एंथर जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है वो सेक्स सेल्स का नाम है पॉलन ग्रेन्स। वही जगह पे प्लांट के केस में ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करती है ओवा। ओवम सिंगुलर वर्ड, ओवा प्लूरल वर्ड, तो ओवा। और ये दोनों फ्यूज करते हैं तब जायगोट बनता है, जिसके वजह से फिर इम्ब्रॉयो और इस तरह से प्लांट के केस में वो डेवलपमेंट होता है। एनिमल्स में भी इसी तरह से स्पर्म्स और ओवरी के द्वारा रिलीज किया ओवा, ये जो है वो जायगोट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जो अल्टीमेटली एक इम्ब्रॉयो को फिर डेवलप करवाता है। तो ये जो सेक्स सेल्स का डेवलपमेंट है, ये इट इज ओनली ड्यू टू द मियोसिस। तो मियोसिस के वजह से ही ये सेक्स सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उनमें डिविजन्स देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस दो अलग अलग जगहों पे हो रहा है, तो इनका पर्टिकुलर डिविजन का तरीका भी अलग अलग है। माइटोसिस के केस में देखा जाता है कि एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होकर दो या दो से अधिक सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दिस इज माइटोसिस। सो माइटोसिस में डिविजन ऑफ द पेरेंट सेल इंटू टू और मोर डॉटर सेल्स, ये होता है देखने को, जिसके वजह से वो सेल्स अपने जैसे एक्चुअली जैसा वो होता है पेरेंट, एकदम एक्चुअल वैसा ही वो उसने ऑफस्प्रिंग्स को वो डेवलप करता है। सो माइटोसिस के वजह से एक्चुअल ट्रू कॉपी ऑफ द इंडिविजुअल इज फॉर्म। यानी अगर आपके हाथ के सेल्स अगर कटे हैं तो